दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 33 kV सबस्टेशन के बारे में, सिंगल लाइन लेआउट। सबसे पहले 33 kV की ट्रांसमिशन लाइन से हमारा इनकमिंग ये आइसोलेटर में होता हुआ, मतलब ये जियो स्विचेस है, और इसके थ्रू फिर ये पीटी है हमारी 33 kV की पीटी, जो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये। उसके बाद है सीटीपीटी, ये कंबाइन होती है, मीटरिंग पर्पज के लिए होती है, जो कंजप्शन के लिए हम एनर्जी मीटर यूज करते हैं। तो उसके बाद है ये 33 kV का आइसोलेटर, उसके बाद है आउटडोर टाइप VCB, उसके बाद है 33 kV सीटी, मतलब जो करंट मेजरमेंट करेगी, उसके बाद है 33 kV का आइसोलेटर, उसके बाद है 33 kV का लाइट एरेस्टर जो कि आसमानी बिजली से प्रोटेक्शन करेगा, उसके बाद है पावर ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 33 kV/11 kV ट्रांसफार्मर, उसके बाद हमारा 11 kV का लाइट एरेस्टर है जो कि आसमानी बिजली से प्रोटेक्शन करेगा। दोस्तों इससे ऊपर ऊपर हमारे 33 kV का यार्ड है, 33 kV का जो भी हमारे ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगते हैं। दोस्तों जो आउटगोइंग जो VCB की कंट्रोलिंग होती है, उसके लिए हमारा कंट्रोल रूम के अंदर, ये आगे जो है आगे का पार्ट कंट्रोल रूम के अंदर का है, तो यहाँ 33 kV का पैनल है दोस्तों, जहाँ एम्पियर वोल्ट मीटर लगे हुए होते हैं, और रिले होती है, और इसकी कंट्रोलिंग होती है जो आउटडोर टाइप 33 kV VCB है, और हमारा ये PT की जो आउटगोइंग है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लिए, ये सारी सारी जो इसकी वायरिंग होती है वो एक ट्रेंच के थ्रू होते हुए हमारा 33 kV पैनल पे ये होता है, जो ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर होता है, और उसका जो टेम्परेचर वगैरह, जो बखल्स रिले है, उसका सारा कनेक्शन इस 33 kV पैनल पे होता है। अब लाइट एरेस्टर के बाद जो 11 kV का जो हमारा ये CTPT है, जो कि जो इनकमर पे हमारा जो 11 kV इनकमर रहता है, उसमें कंजप्शन के लिए एनर्जी मीटर और एम्पियर और वोल्ट मीटर के लिए होता है, और उस इसके थ्रू होते हुए हमारा 11 kV का एक बस बार होता है, तो जो हमारे आउटगोइंग फीडर हैं वो इस बस बार से कनेक्ट होते हैं। ये नंबर 1 VCB है, 2, 3, 4, हमारे पास 4 आउटगोइंग फीडर हैं, और ये पांचवा जो VCB होता है वो होता है स्पेशली सबस्टेशन के लिए। सबस्टेशन के लिए किस पर्पज़ के लिए होता है वो मैं आपको, ये दोस्तों नंबर 5 वाली VCB है, ये स्पेशली सबस्टेशन के लिए होती है, और उस सबस्टेशन VCB के थ्रू होते हुए 11 kV जो है हमारे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो 11 kV/440 volt में होता है, यहाँ से 3-phase 4-wire सिस्टम ये बन जाता है, और फिर ये LT पैनल पे हमारा सीधे मेन स्विच से कनेक्ट होता है, ये MCCB होता है हमारा, और इसके बाद फिर ये हमारे जो आउटगोइंग स्विचेस हैं MCCB है, जैसे कॉलोनी की लाइट होगी, समर्सिबल पंप वाटर पर्पज़ के लिए हो गया, उसके बाद कंट्रोल रूम में लाइटिंग, और जो बाहर यार्ड में रात के वक्त जो लाइटें चाहिए होती हैं, और बैटरी चार्जेस वगैरह के लिए ये सप्लाई होती है। तो दोस्तों ये था 33 kV का सबस्टेशन, अंदर का कंट्रोल रूम, और यार्ड में मैंने आपको ये बताई दिया है कि क्या क्या है। दोस्तों हमारे पास ये 3 आइसोलेटर हैं, 3 में से ये सबसे पहले वाला है, ये इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो आइसोलेटर है, जियो स्विच भी इसको बोल देते हैं। अब इसको हम ओपन करके नीचे कोई भी हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए ये ओपन नहीं हो रहा है, ये मेल्ट हो गया है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शनल आइसोलेटर है ये, और ये VCB के जो आगे लगा हुआ है, ये होता है हमारा, क्योंकि हमारा आउटडोर जो VCB है वो ऑन और ऑफ दोनों सिचुएशन में काम करेगा, और ये सिर्फ ऑफ सिचुएशन में ही काम करेगा, तो बाय चांस 33 kV हमारी ऑन हो या ऑफ हो, हम यहाँ से इसको कंट्रोल रूम से, जो पैनल है 33 kV का, यहाँ से इसको बंद करके और इसको काट के हम आगे अपना टेक्निकली जो भी फॉल्ट है उसका जो सोल्यूशन है वो कर सकते हैं।
और आउट गोइंग जो वीसीबी है उसका एक काम और भी है। अब मान लीजिए इस पे कोई फॉल्ट आ जाता है, ये कोई कोई किसी कारणवश ये बंद नहीं होती है और साथ में हमारा इनकमिंग की रिले भी फेल हो जाती है, तो तब ये हमारा ये प्रोटेक्ट करेगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।